वेलकम टू रोज मिश्रा चैनल में चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सेक्शन ऑफिसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है बहुत अच्छी वैकेंसीज है अगर आप ग्रेजुएट हैं स्नातक है किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकेंगे ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं फ्रेशर है आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तभी भी यहाँ पर एप्लीकेशन की जा सकती है क्योंकि जो एडवर्टीजमेंट है उसमें जो पोस्ट डिस्कस करेंगे हम उसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है कई सारे कैंडिडेट फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं जैसे ऑल फीमेल कैंडिडेट एससी एस टी एंड पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकेंगे विदाउट फी ऑर्गेनाइजेशन जो है इंस्टीट्यूट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आने वाला ऑटोनॉमस बॉडी है जैसे केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय इसी तरीके से तो परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होगी अगर आप वहां पर सिलेक्ट हो जाते हैं फाइनली सैलरी Uh, अच्छी रहेगी क्योंकि पे स्केल दे रहे हैं सेवन्थ पे स्केल तो इसके हिसाब से बाकी की सभी डिटेल जैसे जॉब लोकेशन क्या रहेगी सिलेक्शन के लिए रिटर्न एग्जामिनेशन कहाँ पर होने वाली है रिटर्न एग्जामिनेशन में क्या पूछेंगे बाकी कैंडिडेट के लिए फी क्या है कहाँ से नोटिफिकेशन आई है कंप्लीट इंफॉर्मेशन वीडियो के एंड तक आप देखें अगर इंटरेस्टेड हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी तो जो एडवर्टीजमेंट है उसमें अलग अलग और भी पोस्ट है लेकिन जो हम आ, हमारा फोकस रहेगा वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जिसमें टोटल फोर वैकेंसीज हैं तीन अनरिजर्व के लिए हैं और एक ओबीसी के लिए अनरिजर्व में कोई भी किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं तो ये एक पोस्ट और दूसरा एक पोस्ट है सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एस एस टोटल सेवन वैकेंसीज हैं जिसमें यू मतलब जनरल कैंडिडेट्स के लिए फाइव सीट्स हैं ओबीसी के लिए वन एंड एससी के लिए वन तो जिस कैटेगरी के लिए सीट नहीं होती है वो यूआर में आवेदन कर सकते हैं तो ये दो पोस्ट जो है ना इसकी डिटेल हम चेक करेंगे कहां से नोटिफिकेशन आई है वो भी देख लेते हैं राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण प्र, शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च चंडीगढ़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च टेक्निकल टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च की इंस्टीट्यूट है जो चंडीगढ़ में है यह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत यहां से वैकेंसीज आई हुई है अभी देख लेते हैं जो पोस्ट बताया गया है उसकी डिटेल्स केवल हम लेंगे बाकी पोस्ट की डिटेल हम नहीं कवर करेंगे मतलब सीरियल नंबर फाइव पे जो आपको वैकेंसी दिख रही है इसकी डिटेल कवर करेंगे और सीरियल नंबर सिक्स पर जो वैकेंसी दिख रही है उसकी डिटेल हम कवर करेंगे तो एडवर्टीजमेंट का जो अपर पोर्शन है वो पहले देख लें कैसा दिखाई दे रहा है क्योंकि जब आप ओपन करेंगे तो इसमें इंस्ट्रक्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेक्टर ट्वेंटी सिक्स चंडीगढ़ इसमें चंडीगढ़ से है जॉब लोकेशन चंडीगढ़ होगी और टेस्ट के लिए आपको चंडीगढ़ जाना होगा रिटर्न टेस्ट यहां पर नहीं होगा रिटर्न टेस्ट चंडीगढ़ में ही होगा तो जो चंडीगढ़ जाना चाहते हैं जाके ये टेस्ट दे सकते हैं वही फॉर्म भरें अकाउंट ऑफिसर की डिटेल नहीं देखेंगे बिकॉज इसमें सेक्शन ऑफिसर ग्रेड टू ये भी नहीं देखेंगे यहां पर एक सेक्शन ऑफिसर ग्रेड टू है ये नहीं देखना है क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस मांग रहे हैं काफी ज्यादा सिक्स ईयर्स ये नहीं देखेंगे एक और सेक्शन ऑफिसर नीचे है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के नाम से वो चेक करेंगे डिटेल पर्सनल असिस्टेंट के लिए एक्चुअली अच्छी पोस्ट है लेकिन इसमें एक्सपीरियंस मांग रहे हैं तो ये भी हम चेक नहीं करेंगे जिनके पास एक्सपीरियंस है वो देख सकते हैं स्टेट असिस्टेंट के लिए थ्री इयर्स एक्सपीरियंस है तो वो भी नहीं देखेंगे लास्ट फाइव एंड सिक्स सीरियल नंबर चेक कर लेते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर फोर वैकेंसीज यू आर थ्री मतलब जनरल में तीन सीट है ओबीसी में एक है पे मैट्रिक्स लेवल फाइव ट्वेंटी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड की बेसिक पे है अलावेंसेज वगैरह सारा ग्रेचुटी वगैरह करते हैं। अभी शुरू में तो थोड़ा कम रहेगा सैलरी बट तो जल्दी फिफ्टी थाउजेंड के अराउंड हो जाएगी सैलरी बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन किसी भी स्ट्रीम से आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है कुछ भी नहीं मांग रहे ना परसेंटेज का प्रॉब्लम है ना कोई वो स्किल एक्स्ट्रा स्किल मांग रहे हैं ना ही स्किल के लिए कोई सर्टिफिकेट मांग रहे हैं डिसिप्लिन में अभी बी ए बी एस सी बी कॉम बी बी टेक बी सी ए बीएमएस बीएमएम कई सारे ऐसे क्वालिफिकेशन है जिसमें ग्रेजुएट हो रहे हैं कैंडिडेट तो किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन स्नातक डिग्री ले रखी है अप्लाई कर सकते हैं अपर एज लिमिट की अगर बात करें तो वो भी अच्छी थर्टी फाइव ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि ये फ्रेशर को ले रहे हैं और बाहरी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसमें कोई भी कर सकते हैं अप्लाई सीनियर सेक्रेटेरियट असिस्टेंट सेवन वैकेंसीज है इसके लिए भी अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं अभी एक बार देखना होगा कि एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना अलाउड है या नहीं है वो एक बार एडवर्टीजमेंट पढ़ लें ज्यादा बड़ी एडवर्टीजमेंट है नहीं फाइव पेजेस की है क्योंकि रिटर्न टेस्ट के लिए चंडीगढ़ जाना होगा यू आर में फाइव सीट है जैसे एस टी के लिए एस टी कैंडिडेट के लिए तो सीट नहीं है तो यू आर अनिजल्ट में एप्लीकेशन कर सकते हैं इसमें भी सिर्फ ग्रेजुएट मांगा जा रहा है परसेंटेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी परसेंटेज प्रतिशत अंक के साथ आप पास हुए कोई स्किल सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा कोई स्किल भी नहीं मांगी जा रही अपर एज लिमिट की बात करें तो वो भी अच्छी थर्टी फाइव ईयर एंड बिलो वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं तो ये तो बात हो गई एनआईटी टी टी ट्रिपल टी आर की तरफ से जो वैकेंसीज है अब आप एंड तक देख लें अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्योंकि जरा जो रिटर्न टेस्ट है ना उसमें थोड़ा सा क्लॉज इन्होंने लगाया कंडीशन लगाया जो बहुत सारे कैंडिडेट को शायद अच्छा ना लगे लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है थर्टीन्थ या इलेवंथ मार्च से बट जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो एटींथ अप्रैल तक लेटेस्ट जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं जिन कैंडिडेट के लिए फी नहीं है वो मैंने पहले ही बता दिया कि नो एप्लीकेशन फी इज रिक्वायर्ड फॉर एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल कैंडिडेट सभी महिलाओं के लिए सभी में चाहे किसी भी कैटेगरी की महिला हो फीमेल कैंडिडेट हो वुमेन कैंडिडेट हो उनके लिए कोई फी नहीं एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए क्योंकि यूनियन टेरिटरी है तो कहीं के भी एस सी एस टी रहेंगे मुझे लगता है फी नहीं लेंगे बट अब अगर एस टी में सीट ही नहीं आप जनरल में अप्लाई करेंगे तो फिर जनरल वाली फीस लेंगे ना ऐसा रहेगा बाकी जो मेल कैंडिडेट हैं जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो अप्लाई करेंगे पुरुष अभ्यर्थी उनके लिए सात सौ पचास रूपये फीस रहेंगे कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट विल हैव टू हा तो यहाँ पर एक क्वेरी अगर हो सकती है कि जो दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहे सीनियर सेक्रेटेट से एक दो पोस्ट है ना जो मैंने कवर किया पॉइंट नंबर फाइव और पॉइंट नंबर सिक्स अगर दोनों के लिए कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं अब जैसे जिनके लिए फीस नहीं है वो तो दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें तो सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा और जिनके लिए फीस है उनको दो बार अप्लाई करने के लिए दो बार फी पे करनी होगी आप देखें यहां पर रिलैक्सेशन विद रिगार्ड टू अपर एज लिमिट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स अब यहां पर देखें एज कैलकुलेशन के लिए कट ऑफ डेट रहेगी 18 अप्रैल 2024 18 अप्रैल 2024 को आप बेस लेके एज कैलकुलेशन करेंगे वो जो एज लिखा है पैंतीस साल वो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अगर आप एस टी कैटेगरी से हैं तो पांच साल की छूट मिलेगी अगर ओबीसी कैटेगरी के तो थ्री ईयर्स की छूट मिलेगी अगर आप पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं तो आपको मिनिमम टेन ईयर्स की छूट मिलेगी तो ये हो गया इसके बाद अब यहाँ पर जो है ना इनका एग्जाम का थोड़ा सा गड़बड़ है गड़बड़ इन द सेंस कि मैं आपको बता देती हूँ क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो यहाँ पर पेज नंबर थ्री पे आपको पूरा डिटेल दिया हुआ है प्रूफ ऑफ एज वगैरह वगैरह ये चेक करना है आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं तो ये बात हो गई इसके बाद जो है ना हाँ रिटर्न टेस्ट लेंगे एंड स्किल टेस्ट ले सकते हैं तो इंग्लिश में ही रहेगा जैसे सब जगह पे बाइलिंग क्वेश्चन पेपर आता है इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहते हैं हिंदी में भी वो यहां पर आपको नहीं मिलेगा सिर्फ आ, इंग्लिश में ही क्वेश्चन रहेंगे दूसरी चीज है कि रिटर्न टेस्ट एंड डोमेन स्किल टेस्ट जो है चंडीगढ़ में कंडक्ट कराया जाएगा रिटर्न टेस्ट हंड्रेड मार्क्स का रहेगा टू आवर्स का टाइम दिया जाएगा फोर्टी मार्क्स आपको क्वालिफाइंग मिनिमम लाना ही पड़ेगा और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 टू फाइव मार्क्स की तो ये रहेगा फॉर द पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट तो पर्सनल असिस्टेंट के लिए तो हम देख ही नहीं रहे बाकी के लिए चेक कर लेते हैं डोमेन स्किल टेस्ट सबके लिए होगा जरूरी नहीं पर्सनल असिस्टेंट के लिए क्या स्टोनोग्राफी मांग रहे होंगे तो उनके लिए होगा बाकी देख लेते हैं अकाउंट ऑफिसर सेक्शन ऑफिसर ग्रेड टू नहीं देखना है पर्सनल असिस्टेंट छोड़ दें सीधे चले आते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए लेवल फाइव इसमें पोस्ट स्पेसिफिक इंक्लूडिंग कंप्यूटर नॉलेज तो इसमें कंप्यूटर पूछेंगे सिक्सटी परसेंट सिलेबस आएगा इसका सिलेबस जो है ना वेबसाइट पर आएगा अगर आप एक बार आ, ये प्लान वर्क करते हैं मूड बनाते हैं कि हाँ इसमें अप्लाई कर देना चाहिए तो डिटेल सिलेबस के लिए आपको वेबसाइट को विजिट करते रहना पड़ेगा वो डिटेल सिलेबस पूरा देंगे कि Uh, क्या पूछने वाले हैं पोस्ट स्पेसिफिक में क्या टॉपिक पढ़ना है मेंटल एबिलिटी रीजनिंग मैथमेटिकल स्किल पूछेंगे जो नॉर्मल सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशियंसी में हिंदी में क्वेश्चन आएंगे हिंदी प्रोफिशंसी वाले क्वेश्चन हिंदी में आएंगे बाकी ये मेंटल एबिलिटी रीजनिंग मैथ्स ये सब आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब्जेक्ट और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी इंग्लिश में पूछे जाएंगे और इंग्लिश का ही ऑप्शन रहेगा आंसर करने का तो जो जिनको थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश में वो अप्लाई मत करें छोड़ दें ऐसी और वैकेंसी आएगी तो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी सारा जो चंडीगढ़ में होगा प्रोसेस रिटर्न टेस्ट वगैरह का अभी ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसपे आपको होमपेज पे चलते हैं एक बार तो ये होम पेज पे आपको आना है ये होम पेज है अब इसमें जो है ना होम पेज पे आएंगे थोड़ा नीचे स्क्रॉल वगैरह करेंगे तो आपको एडवर्टीजमेंट कहीं ना मिल जाएगा ये यह देखिए यहाँ पे मुझे मिला एडवर्टीजमेंट ये जॉब सेक्शन है नीचे थोड़ा अप्लाई लिंक भी यहीं पर है यह तेजी से स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन हो रहा है तो यहीं पर जॉब सेक्शन आपको मिलेगा लेटेस्ट न्यूज पे क्लिक नहीं करना टेंडर पे नहीं जॉब पे क्लिक करेंगे तो जॉब पे क्लिक करने से स्क्रॉल अप होते हुए एडवर्टीजमेंट जनरल इंस्ट्रक्शन सभी आ रहे हैं नॉन टीचिंग पोस्ट एडवर्टीजमेंट है जनरल इंस्ट्रक्शन है अप्लाई ऑनलाइन है अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल भी आपको दिखाई दे देगी तो ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देती हूँ ये शॉर्ट एडवर्टीजमेंट है इसमें क्या लिखा है इन्होंने कि 18 अप्रैल 2024 तक आप पांच बजे शाम तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं बस ऑनलाइन अप्लाई करना है बाकी ऑफलाइन नहीं करना है ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए विकीपीडिया को हमेशा चेक किया करें वो ऑथेंटिक होती है उसकी वेबसाइट मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके आप चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए